सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। सो आपको अभी जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 8.1 कराई जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो दो पार्ट थे, पहले अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो उसे एक बार देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज देखते हैं 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको क्या गिवन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, कोई आपके पास एक ट्राइंगल है, कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपका राइट एंगल जो है यानी कि 90 डिग्री जो बना हुआ है वो है बी पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये मैंने एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, आपकी जो कॉपी में यानी कि बुक में जो NCERT में दिए हुए हैं, ये दो पार्ट दिए हुए हैं, ये मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल ABC आपको एक ड्रॉ बनाना है, मतलब बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको एंगल B जो है वो 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। B पर 90 डिग्री है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। B पर 90 डिग्री यानी कि B पर 90 डिग्री है। अब आपकी मर्जी, आप इसे A पॉइंट मानिए या इसे A पॉइंट मानिए। A पॉइंट ये हो गया, B पॉइंट ये है आपका, और C पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपको गिवन दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, टेन ए टेन सी फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है, साइन के फॉर्मूले में होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है इस समय, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। अब किसके हेल्प से आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में आपका पाइथागोरस लगता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि एंगल के ठीक सामने यानी कि आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर अगर जैसे इसने जनरली आपका बोला हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, तो अगर मैं फिगर में देखता हूँ, हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया, ये AC, यानी कि मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन जो जो हमें दिया हुआ है लगा लेते हैं। AB का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ आपको, 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 7 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 625, यानी कि किसका है ये आपका, 25 का, 25 सेंटीमीटर आपका AC आ गया। तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख देते हैं, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन ए कॉस ए, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये साइन ए फाइंड आउट करना है और कॉस ए फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ दोबारा से इसी को, ट्राइंगल ABC। ठीक है, राइट एंगल किस पर, इस पर। मैंने बोला था जब भी वो अगर आपको बोलता है साइन ए, तो साइन ए के रिगार्डिंग आपका ए एंगल बेस पर होना चाहिए, यानी कि आपको इस एंगल के रिगार्डिंग बोल रहा है ये एंगल। अगर आपका ये एंगल, ये उसने बोला एंगल ए, साइन ए बताना है, तो अगर मैं देखता हूँ एंगल ए अगर ये है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज, और बाकी की जो साइड बची वो क्या हो गई आपकी, बेस। कब, जब ये एंगल एट ए पॉइंट पर था। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया BC, परपेंडिकुलर जो हो गया वो हो गया BC, AB हो गया हमारा बेस, और AC हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट केस में। ठीक है, तो फर्स्ट केस में लगा लेते हैं। तो साइन ए, अगर मैं साइन ए फॉर्मूला देखूं, तो आपको पता है PBP अपॉन HHB। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसा आप याद करना चाहो तो। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ ए के रिगार्डिंग दिया है, तो आपके बेस परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज भी वही रहता है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जैसा कि मैंने इसमें दिखाया आपको, यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर मैं ए एंगल लेता हूँ, तो
एंगल ए के सामने साइड क्या है, बी सी, जो कि आपकी परपेंडिकुलर हो गई। तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो अभी हमने फिगर में देखा, अगर मैं यहां देखूं कितना आया था, ये 25 आया था आपका। बी सी आपका 7 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया हुआ था और ये आपको 24 दिया हुआ है। तो साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या फिगर के रिगार्डिंग में देखूं, बी सी है 7 अपॉन ए सी कितना है मेरे पास, ए सी है 25। तो साइन ए की वैल्यू आपकी आ गई 7 अपॉन 25। ठीक है, इसी तरीके से कॉस ए देखते हैं। कॉस ए क्या होगा, अब कॉस ए वही एंगल आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि यही आपका परपेंडिकुलर होगा, यही आपका बेस होगा और यही आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं देखूँ इसी में, जहाँ ए एंगल दिया हुआ है आपको, तो बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए सी। तो ए बी क्या है आपके पास गिवन, इसमें ए बी कितना है, ए बी अभी 24 और ए सी कितना है 25। तो आपकी कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, 24 अपॉन 25। ठीक है, एक बार और बता देते हैं कि अगर वो आपसे पूछा है साइन ए कॉस ए, तो साइन ए पूछा है तो एंगल यहाँ पर ए होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई मेरा एंगल है थीटा, ये थीटा अगर मुझे एंगल दिया हुआ है, एंगल जो गिवन दिया है वो थीटा दिया हुआ है, तो थीटा एंगल के ठीक सामने जो साइड होती है वो अपोजिट साइड होती है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो बाकी की बची साइड कौन सी हो गई, बेस, जिसे आप एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन इसका जो पार्ट टू है उसको देख लेते हैं। पार्ट टू में आपको दिया है साइन सी और कॉस सी। साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉस सी की, जैसा कि फिगर था ए बी सी, ये एंगल दिया था और क्या क्या दिया हुआ था हमें, बी सी हमें दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर और ये था हमारा 24 और ये है हमारा 25 जो कि हमने फाइंड आउट किया था। अब ये कह रहा है कि साइन सी के रिगार्डिंग निकालो, आप साइन सी पॉइंट के रिगार्डिंग निकालो, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं सी पॉइंट के रिगार्डिंग देखता हूँ, तो अब यहाँ पर मेरा ए बी सी, ये मुझे 7 दिया था, ये 24 और ये 25 जो कि आपने निकाला था। तो अब ये कह रहा है एंगल सी के रिगार्डिंग मुझे बताओ साइन सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मैं एंगल सी के रिगार्डिंग देखूं, तो अब यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर चेंज रहेगा और बेस चेंज रहेगा और हाइपोटेन्यूज वहीं का बेस रहता है। तो अगर आपका एंगल सी के रिगार्डिंग देख रहा है, तो एंगल सी के ठीक सामने जो साइड है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर हो गई मेरी, ठीक है, और 90 डिग्री के ठीक सामने ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये जो बाकी की साइड बची वो क्या हो गई, आपकी बेस। अगर मैं इसे इस वाले पॉइंट से कंपेयर करूँ, जिसमें आपका ए पॉइंट जो था, ए पॉइंट जब हमने लिया था तो हमारा परपेंडिकुलर क्या था, एंगल के ठीक सामने बी सी था, लेकिन अब यहाँ पर सी पॉइंट में, यानी कि अगर आपका अब एंगल सी है, तो इसके सामने जो साइड है आपकी ए बी जो कि 24 सेंटीमीटर थी, वो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, जब ए होगा तो अलग परपेंडिकुलर होगा और जब सी होगा तो अलग परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं साइन सी और कॉस सी की वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन सी तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं फिगर में देखूं, इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, ए सी। ए बी अपॉन ए सी हो गया, ए बी कितना है आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी आपका है 25। तो अब आपका साइन सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 24 अपॉन 25। अब कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेम टू सेम एंगल तो आपका सी ही है, सी है तो यहाँ पर जो भी आपका परपेंडिकुलर बेस है वो सब चीज़ होगा, लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर इस फिगर में देखूँ, तो बेस मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ये कितना हो गया आपका, बी सी है आपका कितना 7 और ए सी कितना है आपका 25, ये आपका कॉस सी हो गया। ठीक है, अब आपका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला है टेन सी और टेन ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है,
टेन सी की वैल्यू, सबसे पहले मैं टेन सी की वैल्यू निकालता हूँ, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके रिगार्डिंग, सी के रिगार्डिंग। अगर मैं सी के रिगार्डिंग देखूँ तो मेरा फिगर ये था, सी के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, सी के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी अपॉन बेस क्या है मेरे पास, बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी आपकी 24 अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है 7, तो आपका 10 सी की वैल्यू 24 अपॉन 7 ये आ गया आंसर। अब मैं 10 ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, 10 ए फॉर्मूला तो आपको वही देगा, 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं ए के रिगार्डिंग देखता हूँ, ए पॉइंट आपका ये है, ए पॉइंट के रिगार्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा बी सी और बेस क्या है मेरा ए बी। तो टेन ए बी सी आपकी कितनी हुई है 7 और ए बी कितना दिया हुआ है 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप चेक करना चाहते हो कि समय आंसर सही है गलत है, तो हमने जो पहले पॉइंट किए थे उनको देख लेते हैं। हमें पता है टेन सी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन सी की वैल्यू क्या थी आपकी 24 अपॉन 25 डिवाइडेड बाई कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू है 27 अपॉन 25, अगर आप इसे डिवाइड कर दो तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 अपॉन 7 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम टेन ए की वैल्यू फाउंड आउट करते हैं, टेन ए तो टेन ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए क्या था आपका, साइन ए अगर हम देखते हैं तो साइन ए है आपका 7 अपॉन 25, डिवाइडेड बाई कॉस ए कितना था आपका 24 अपॉन 25। अगर आप देखें 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर क्या रहेगा 7 अपॉन 24, यही आंसर आपका यहां आ गया था, यानी कि वेरीफाइड हो गया। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, तो इससे पहले जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू बताया है पहले आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।